points लिख लो points to remember यहाँ पे लिखो points to remember भाई पहला point सबसे पहले array की sorting कर दो sorting कर दो ठीक है ascending या descending order में ascending या descending descending order में ठीक है दूसरा पार्ट दूसरा पॉइंट ये करना है सेट लोअर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल्स टू जीरो अपर लिमिट अपर लिमिट इक्वल्स टू L minus 1 L नहीं समझता कोई भी length minus 1 ठीक है find middle index find middle index equals to lower limit प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज डिवाइडेड बाय 2 ठीक है भैया अरे यहां तक समझ में आ गया तो पहला स्टेप क्या है सबसे पहले एरे की सॉर्टिंग कर दो दूसरा पॉइंट क्या है सेट कर दो किसको लोअर लिमिट को 0 अपर लिमिट को लेंथ माइनस 1 फिर तीसरा पॉइंट क्या है यहां पे फाइंड मिडल इंडेक्स x का मिडिल इंडेक्स m इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 और ये कार्य सारा का सारा एक लूप के अंदर प्रोसेस में डाल दो किसके अंदर डालोगे लूप के अंदर ठीक है लूप क्या है यहां देखो अब लूप कौन चलाओ फोर चलाना चाहो फोर चला लो वाइल चलाना चाहो वाइल चला दो डू वाइल चला दो जिसमें आप कन्वीनियंट हो वो कर दो आप ठीक है लूप के अंदर लॉजिक बना करके लॉजिक बनाकर प्लेस कर दो भाई यही तो पॉइंट है नहीं अब लॉजिक क्या है लॉजिक क्या है वो लॉजिक आपको समझा चुका हूं इससे पहले मैंने लॉजिक समझाया था अब उसको हमने समरी में समराइज कर लिया यहां पे है नहीं अब एक्चुअल प्रॉमिंग करते हैं यहां पे देखते हैं चलो प्रॉमिंग के सब तैयार हो गया हाँ नहीं तो प्रॉमिंग इतने स्टेप पे करूं या चलो यहां से स्टार्ट करता हूं प्रॉमिंग ठीक है इंपोर्ट जावा नोड डिटेल डॉट स्टार सेमीकोलन ये सब कर लोगे आप पैकेज खुद से लगा लोगे आवाज ही नहीं आती कुछ तो मुद्दे हैं ये क्लासरूम यार आंसर क्या करो सबके सर मैं क्या सोचूं कुछ जो कुछ हां कह रहे हैं उनके लिए ठीक है जो ना कह रहे हैं उनको क्या समझूं या जो शांत है उनको क्या समझूं मैं ना तो कोई कहते ही नहीं है ये लगा लोगे ना पैकेज लगा लोगे 10 एलिमेंट का एरे का वेरिएबल बना करके वैल्यूज को मांग लोगे मांग लोगे मान लिया तुमने मांग लिया सब कुछ चलो आगे कंटिन्यू करूं अब देखो देखो अब मैं वेरिएबल लिख लिया करवा पे इंट ए डिब्बा इक्वल्स टू न्यू इंट 10 सपोज करो 10 एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं बाइनरी सर्चिंग क्या कर रहे हैं बाइनरी सर्चिंग ठीक है अब यहां पे ये भी यूजर से मांग लिया सपोज करो मैंने यूजर से मांग लिया दिस यू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर ये खुद कर लेना उसको आप कर सकते हो आप इतना सिखाया हुआ है अब आगे क्या करना है उसका सॉर्टिंग करना है क्या करना है सॉर्टिंग भी कर लो करके दो यहां पे कर लोगे कर लेंगे भैया यहां पे कर दो आप
अरे परफॉर्म सॉर्टिंग मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था, बबल शॉर्ट सेलेक्शन शॉर्ट दोनों सिखाया, उसको सब सीख सकते हो ठीक है। परफॉर्म सॉर्टिंग सिलेक्शन या बबल कोई सा भी लगा दो। अब यहां से टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू ठीक है। अब यहां से देखो भाई, अब क्या करना है, सॉर्टिंग वाला इस तरह कहां पे खत्म हुआ, यहां पे खत्म हुआ ना। अब एंड लोअर लिमिट, एंड लोअर लिमिट इक्वल टू जीरो, अपर लिमिट इक्वल टू लेंथ कितना भाई 10, तो अपर लिमिट क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा ठीक है। अब यहां पे एंड एक काम करो, डिक्लेयर कर दो पोजीशन नोट करने के लिए, एंड पोज इक्वल टू नथिंग, अभी स्टार्ट लो बस इसको। अब यहां पे इसके बाद यहां पे आ जाओ, वाइल जब तक लोअर लिमिट लोअर लिमिट लेस देन इक्वल्स टू अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या करना है प्रोसेस करेंगे, एंड एम इक्वल्स टू एलडब्ल्यू प्लस अपर लिमिट एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2, कर दिया डिवाइड आया नहीं। इससे पहले आप एक वैल्यू डिक्लेयर कर लेना, एंटा इक्वल्स टू 0, एंटा इक्वल्स टू 0 ठीक है। चलो एम इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इक्वल्स टू सॉरी डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, इफ अच्छा एक नंबर भी आपको सर्च करना है जिसको आप चेक करोगे नॉट, तो यहां लिख लो इन एन, ये भी किससे मांगोगे यूजर से एक्सेप्ट कर लो ठीक है। चलो वाइल एम एल डब्ल्यू लेंथ इक्वल्स टू यूपी इन टाइम इक्वल्स टू एल डब्ल्यू प्लस यूपी डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे कर लो आप इफ एन, जो नंबर हमें सर्च करना है, जो नंबर हमें अगर वो लेस देन है ए ऑफ एम से, मतलब बेटा नेक्स्ट की वैल्यू से, तो किसमें चेंजेस इफेक्ट करेंगे बताओ, थोड़ा लेस देन पे किसमें करेंगे, अपर लिमिट में होगा ना, अपर लिमिट इक्वल्स टू एम माइनस 1 ठीक है। इफ एन ग्रेटर देन ए ऑफ एम तो किसमें चेंजेस होगा, लोअर लिमिट इक्वल्स टू एम प्लस 1 ठीक है। इफ एन इक्वल्स टू ए ऑफ एम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ इक्वल्स टू 1 और पोज इक्वल्स टू एम और क्या करते हैं यहां पे ब्रेक, ये बंद हुआ, ये व्हाइल लूप का बंद हुआ यहां पे। अब यहां पे इफ इफ एफ इक्वल्स टू 1 एसओ पी क्या लिखोगे, सर्च सक्सेसफुल ठीक है, फाउंडेड इंडेक्स कौन सा है, पोज पोज के अंदर स्टोर हो गया ना मेरा वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू सॉरी इंडेक्स। अगर ऐसे नहीं हुआ तो एल्स एसओपीएलएन क्या लिखोगे, सर्च अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। अच्छा सर्च अनसक्सेसफुल है तो इंडेक्स की क्या बात कर रहे हैं उसके, है ना। ये बंद कर लिया मैंने पब्लिक वॉइड मेन का और ये पब्लिक क्लास का जो हमने स्टार्टिंग में ओपन किया होगा। हाँ कितनों को समझ में आया ये प्रॉब्लम किस तरीके से लिखना है, वेरी गुड। अब यहाँ पे वर्किंग देख लो भाई, वर्किंग यहाँ पे समझो जरा, ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, पॉइंट्स यहाँ लिख दिया, पॉइंट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं 5 एलिमेंट की बात करता हूँ ठीक है, 6 एलिमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 6 एलिमेंट की।
0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम लोग सात एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी? सात एलिमेंट, ठीक है? Now suppose हमने एलिमेंट्स लिए, हमने एलिमेंट्स मांग लिए उसे, और वो सॉर्टिंग भी हो गई उसकी. सॉर्टिंग के बाद से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मांगे और उसको सॉर्ट भी कर दिया. असेंडिंग में करते हैं, डिसेंडिंग में करते हैं? तो वो नंबर कोई भी ले लो असेंडिंग ऑर्डर में. लेट्स से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, 18, 27, ठीक है? नंबर्स आए थे अनअसेंडेड, मतलब सॉरी अनसॉर्टेड वे में, अनसॉर्टेड फॉर्म में. नाउ दे ऑल आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू डिक्लेयर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ओके, दैट वी हैव डन हियर, दैट वी हैव ऑलरेडी डन हियर. ओके, सो आवर नेक्स्ट टास्क इज टू प्लेस द लॉजिक इन व्हाइल लूप. ओके, आफ्टर प्लेसिंग द लॉजिक, नाउ लेट्स रीड द लॉजिक. Let's read the logic by having working over this. अब इसकी working practice करते हैं. क्या lower limit अभी by default हमने क्या set किया हुआ है? LW equals to 0. ठीक है. Upper limit क्या है भाई? 9. Upper limit क्या है? 9. अब क्या lower limit upper limit से छोटा है? अरे हाँ यार. बिल्कुल है. सत्य बात है एकदम. अंदर आ गए. कंडीशन ट्रू तो अंदर आया ना. अंदर आते एम मिला. कौन मिला? एम. एम कौन है? एक मिडिल इंडेक्स करने वाला बंदा. अब एम के पास क्या आ गया? यहाँ पे देखो जरा, एम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख दिया. क्या आ गया? 4. क्योंकि क्वेश्चन देगा ना. अब 4 आ गया. अब एन जो यूजर ने नंबर सर्च करना था वो तो हमने मांगा था यहाँ पे. अब जो नंबर हमें सर्च करना था वो क्या लेने हैं बताओ जरा. सपोज करो 5 सर्च करना है. क्या करना है? 5. अब देखो जरा, क्या 5 a of m से छोटा है? a of m मतलब a of fourth position. हाँ भैया छोटा है. a fourth में क्या 15? छोटा है. छोटा है. क्या छोटा है? 5. बिल्कुल है. अभी देखो यहाँ पे सॉरी, अगर इसके हिसाब से वर्किंग करें तो 7 है. ये क्या है? 7 है. और मिडिल इंडेक्स क्या आएगी इसमें? 3 आएगी. अब नंबर जो हमें सर्च करना है दैट इज 5. अब एओ 3 से 12 से छोटा है क्या भाई? हाँ या नहीं? तो अपर लिमिट क्या हो गया? -1. एम में क्या है? 3. तो ये 7 से क्या हो जाएगा? 2. 7 ही राब क्या हो गया? 2. ठीक है. अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि ये आएगा तो देखेगा कंडीशन फॉल से काम, कंडीशन फॉल से काम नहीं हुआ. लेकिन इसके बाद फिर कहां गया? सीधा लूप के अंदर. जब तक लूप टूटेगा नहीं तो लूप के बाहर नहीं आएगा. लूप का बेसिस यहां बंद हो रहा है. हाँ या नहीं? तो दोबारा लूप पे गया. क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा है? हाँ भाई, अभी भी छोटा है. क्योंकि लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में क्या है? 2. देख रहे हैं, 2 है. कंडीशन फिर से क्या हो गई? तो फिर से एम बना. एम इक्वल टू एलडब्ल्यू प्लस यूपी डिवाइड बाय 2. तो लोअर लिमिट क्या है? 0 प्लस 2. 2 डिवाइड बाई 2. 1. क्वेश्चन क्या आ गया? एम में क्या आ गया इस बार? 1. ठीक है. अब चेकिंग, क्या एन ए ऑफ एन से छोटा है? नहीं. ए ऑफ एन पे क्या है? ए ऑफ एन पे क्या है? 5. लिख देता हूं यहाँ पे. क्या 5 ए ऑफ एन से छोटा है? नहीं. ये काम नहीं हुआ. क्या बड़ा है? नहीं. ये काम नहीं हुआ. क्या बराबर है? हाँ है. तो एफ में क्या आ गया? तो एफ जो 0 था पहले, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ पहले क्या था भाई? 0. अब मिला है तभी ना इसको बंद किए हैं हम. हाँ या नहीं यार? अगर नहीं मिलता तो उसको अपन दिखा सकते थे हम. 1 हो चुका है और ये कंडीशन ट्रू हो गई है. 1 हुआ है, पोज में हमने स्टोर कर लिया क्या? एम. क्या स्टोर किया? एम. अब एम में क्या है? 1. तो पोज नाम का इक्वेशन बनाए थे यहाँ पे, उसको मान ले लो. पोज में करा दिया 1 और ब्रेक, सीधा ब्रेक, मतलब फर्दर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया. फर्दर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट. सो वी हैव टर्मिनेटेड द फर्दर एग्जीक्यूशन, राइट? तो फाइनली फर्दर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना मतलब जो व्हाइल लूप चल रहा था इसके जस्ट बाहर आ गया, खत्म. चलो लूप भी खत्म हो गया. चलते रहो, बसते रहो, क्या फायदा? हमें नंबर मिल चुका है. आया नहीं? अरे गेटिंग द पॉइंट. बाहर आए, चेक करा, क्या एफ 1 है? हाँ या नहीं? क्योंकि उसको पता है, हमने प्रॉब्लम इस तरीके से करा गया, एफ 1 आया है. हमें पता है एफ 1 तभी आया होगा जब नंबर सर्च सक्सेसफुल हुआ होगा. है नहीं?
भाई अगर वन है तो सर्च सक्सेसफुल फाउंड एट पोज, क्योंकि एफ में अगर वन आया है तो वन के साथ मैंने पोजीशन भी नोट कर ली थी, आया नहीं? अगर एफ वन नहीं आया तो ये सारा एक बार भी ट्रू नहीं हुआ, पूरा लूप खत्म हो गया, लेकिन ये एक बार भी ट्रू नहीं हुआ, इसलिए एफ में वन नहीं आया, आया नहीं? एक तो लॉजिक है ना, जब एफ में वन ही नहीं आया तो ऑब्वियस बात है एफ जीरो ही होगा, वन नहीं है एल्स में जाकर के सर सो सैड नहीं मिला नंबर आपका, आपका नंबर ही नहीं मिला हमें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्चिंग। सो हाउ, कितनों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हां या नहीं? हां भैया पक्का? हां ओके। ये एलसी लगेगा, एलसी किस पे लगाते हैं ताकि एक इफ ट्रू हो जाए तो फर्दर में नहीं जाएगा, एक मिस्टर लगा दिया हर को चेक करता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्रॉब्लम देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर दिस, ओके यू अगेन अज्यूम इट। इज देयर एनी डाउट? नो। एनी क्वेश्चंस? नो। पूछ सकते हो प्लीज? नो। हाय नी, ओके। सो दिस इज द बाइनरी सर्च ऑन नंबर बेस्ड सिस्टम, हमने इंटीजर्स पे कर रहे हैं या मतलब नंबर सिस्टम पे कर रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच कम्स ऑन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर आपको परफॉर्म करना हो, ठीक है? दैट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास, दैट आई विल टीच यू नेक्स्ट क्लास। सो सिलेक्शन सॉर्टिंग के उसमें करेक्ट सिलेक्शन सॉर्टिंग को ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब बाइनरी सर्च हम पढ़ेंगे उसको, सो ऑटोमेटिकली वी विल कम अक्रॉस सॉर्टिंग टू या सॉर्टिंग ऑन स्ट्रिंग्स, ओके? सो प्लीज इसको नोट कर लो सर, प्लीज। क्या कोई डाउट्स वगैरह तो आप डाउट्स वगैरह निकाल लो उसमें से, ठीक है?